पेशा नदी को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे पुलिस प्रशासन की लोगों से जमकर नोकझोंक। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़, कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस प्रशासन करा रहा भैंसा नदी को कब्जा मुक्त। संबल सदस्य सपा विधायक इकबाल महमूद की भी अधिकारियों से हुई तीखी झड़प। पुलिस प्रशासन ने सपा विधायक इकबाल महमूद सहित कई को लिया कस्टडी में। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। विधायक इकबाल महमूद की प्रशासन को चेतावनी, अगर भैंसा नदी पर प्रशासन ने की कार्यवाही तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम। संबल सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला और अभी नाले का रूप ले लिए है। शहर की जल निकासी की नदी के माध्यम से मुख्य रूप से होती है। समय के साथ इसमें जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। ये अतिक्रमण राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित कराया जाता है। नगर पालिका द्वारा इनको सभी लोगों को अतिक्रमण की जल में आए तो उनको नोटिस दी गई। दो दिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया और शासन की मंशा के अनुरूप अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसका भी अवैध अतिक्रमण है नियमानुसार सारे अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और हटाए। सर, इकबाल महमूद जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने एक बयान अभी जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जहाँ भी अवैध अक्षमा है वो सारे अवैध अक्षमा नियमानुसार हटाए। सर, इन लोगों को क्या पहले नोटिस दिया गया था? बिल्कुल नोटिस दिया गया था, दो नोटिस। पुलिस SDM हमको ले जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है और हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जब तक हम लौट के नहीं आ जाएंगे आपसे बात करके जब हम कोई कार्रवाई करेंगे, उससे पहले हम कोई कार्रवाई। आप वार्ता के लिए जा रहे हैं या कस्टडी में जा रहे हैं? के लिए जा रहे हैं। ये अभियान है। अभी क्या, अभी क्या, अभी कस्टडी माने के सर? अब ये तो गिरफ्तारी हो रही है। आप जैसा चाहे वैसे चले, हम जा रहे हैं। यहाँ हुआ क्या भैंसा नदी में? हुआ क्या अभी? अभी कोई नहीं हुआ। गरीबों की बस्ती नहीं उजड़ने दूंगा, नहीं उजड़ने दूंगा, नहीं उजड़ने दूंगा।